विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा। राणा सांगाजी के पुत्र कुंवर भोजराज से तुम्हारा ब्याह तय हुआ है। ये आप क्या कह रही है ताई? ये असंभव है। मेरा ब्याह किसी और के साथ कैसे हो सकता है? मेरा ब्याह तो इनसे हो चुका है। मेरे गिरधर गोपाल, मेरे गिरधर गोपाल। नहीं मीरा, नहीं का क्या अर्थ है माँ? मैंने अभी तो आपको बताया ना कि कल रात मेरे सपने में मेरे गिरधर से मेरा ब्याह हुआ था। इतनी बड़ी हो गई हो पर अभी भी ये बचपना है। नहीं साहिसा, ये बचपना नहीं, मेरा प्रेम, मेरी भक्ति है। बचपन से ही मैंने इन्हें अपना दूल्हा माना है, तो फिर मैं किसी और को अपना पति कैसे मान सकती हूँ? बताइए। ये कैसी मूर्खता की बात है मीरा, एक पत्थर की मूरत से कभी किसी का ब्याह कैसे हो सकता है? नहीं ताईसा, मेरे गिरधर गोपाल को पत्थर की मूरत मत कहिए, मेरे प्राण बसते हैं इनमें। अपनी पुत्री को समझाओ राव रतन सिंह, अन्यथा समूचा मारवाड़ हमारे परिवार का उपहास बनाएगा कि पहले स्वयं संबंध बनाया और अब तोड़ रहे हैं। मीरा बहुत बुद्धिमान और समझदार है भाई साहब, वो अपने दादाजी के परिवार के सम्मान पर कोई आज नहीं आने देगी। किंतु पिताजी, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकती हूँ बिटिया, किंतु सत्य को स्वीकार करना भी आवश्यक है। कब तक भ्रम पाल कर रखोगी? जीवन गुड्डे गुड्डी का खेल तो नहीं? भ्रम? कैसा भ्रम माँ? जो सत्य है उसे आप लोग भ्रम मनवाने पर क्यों तुले हुए हैं? ये संसार एक भ्रम है और सच है तो मेरे गिरधर गोपाल, मेरे प्रभु। मीरा भाई साहब बहुत हुआ, प्रभु श्री कृष्ण से विवाह हुआ है, इसका भ्रम हम तुम्हें पालने नहीं देंगे। ये असंभव है, इसकी कल्पना भी असंभव है। नहीं ताऊ साहब, आपकी बेटी आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही है, भले ही आपको आपको एक कितना भी असंभव लगता हो किंतु यही मेरा सच है। और ये इस जन्म का ही नहीं, मेरा और मेरे गिरधर का जन्मों जन्मों का नाता है। इसीलिए तो मेरे सपने में मेरे गिरधर गोपाल ने मुझे स्वीकारा है, ब्याह किया है मुझसे। चुप रहो मीरा, ऐसा बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता। अब तुम्हारा विवाह ही तुम्हें सच्चाई के संसार में लाएगा, उसके लिए तैयार हो जाओ। सपना सच नहीं होता मीरा। भले ही सपने में हुआ किंतु इस विवाह से बड़ा सत्य मेरे लिए और कुछ नहीं। और हाँ, आज एक और सत्य कह देती हूँ आप सबसे, सुन लीजिए आप सब। मेरे गिरधर गोपाल एक दिन अवश्य आएंगे और मुझे अपने साथ ले जाएंगे, और आप सब देखते रह जाएंगे। बस बंद करो अपना अनर्गल प्रलाप, यहां तुम्हें शांत। शांत हो जाओ वीरनदेव। अब कोई मेरी मीरा से एक शब्द भी नहीं कहेगा। दादू साहब। देखिए ना दादू साहब,
ये सब मेरे गिरधर गोपाल को झूठ कह रहे हैं और किसी दूसरे से मेरा विवाह कराना चाहते हैं। इसमें इनका कोई दोष नहीं है बिटिया रानी, तुमने भक्ति रत्न पाया है, तुम धन्य हो और तुम्हारा जन्म हमारे परिवार में हुआ है, ये हमारा सौभाग्य है। ये मैं तो देख सकता हूं, किंतु अन्य किसी के लिए ये देख पाना मान पाना कठिन है, क्योंकि ये सभी सामाजिक बंधनों से और समाज में इस परिवार के मान सम्मान से बंधे हैं। ये नहीं चाहते कि इनका वचन भंग हो और कोई भी हम पर और हमारे परिवार पर उंगली उठाए। अपने स्थान पर सही होते हुए भी ये सभी एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। गिरधर गोपाल के प्रति तुम्हारा अटूट प्रेम कभी भंग नहीं हो सकता, तुम्हारी भक्ति से तो हमारा परिवार पूजनीय बन जाएगा। किंतु महाराज सर, चिंता मत करो बिटिया रानी, अन्य किसी को भले ही कुछ भी दिखाई क्यों ना दे, परंतु तुम्हें तो अपना सत्य पता है और गिरधर गोपाल के प्रति तुम्हारी भक्ति का आभास तो मुझे भी हुआ है। इसलिए जब तक मैं जीवित हूं, तुम्हारे प्रभु प्रेम में कोई बाधा नहीं होने दूंगा। तुम अपने भगवान से एक अलौकिक बंधन से बंधी हो, इसलिए मैं तुम्हें किसी लौकिक बंधन में बंधने के लिए बाध्य नहीं होने दूंगा। जब तक मैं जीवित हूं, तुम्हारा सांसारिक विवाह नहीं होगा मेरा। जब तक मैं जीवित हूं, तुम्हारा सांसारिक विवाह नहीं होगा मेरा। मीरा के हृदय को उसके दादाजी समझ गए थे और उन्होंने उस दिन उसे इतनी बड़ी दुविधा से मुक्त कर दिया, किंतु उसका जीवन तो चुनौतियों से भरा था। प्रभु को पाने की सरल भक्ति रूपी तप में उसे अनेक परीक्षाएं देनी थी। दादाजी सा, मेरे हृदय में गिरधर गोपाल के प्रति जो भक्ति और प्रेम है, उसे आपने तो पहचान लिया। आपने मुझे विवाह जैसी बड़ी दुविधा से भी बचा लिया। किंतु और सभी तो तभी समझेंगे ना, जब वो मानेंगे कि जो मैंने स्वप्न में देखा वो मेरी नींद में मन की कल्पना नहीं बल्कि सत्य था। तुमने देखा क्या था मेरा बिटिया? मैंने देखा कि मेरे हाथों में मेहंदी रची थी, मेरे विवाह का मंडप सजा था, मैं दुल्हन बनी थी गिरधर गोपाल की और वो मेरे दूल्हे। दादाजी सा, जो मेरी मन की आंखों ने देखा, यदि वो सब देख सकते तो कितना अच्छा होता ना। प्रभु की लीला तो सर्वदा सत्य ही होती है मीरा बिटिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो कुछ तुमने देखा वो सत्य ही है, किंतु शायद अधूरा है, इसलिए अन्य सभी का उसे देखकर उस पर विश्वास जगाना कठिन है। किंतु बिटिया, उन बातों की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए जिन पर अपना वश ना हो। और तुम्हें किस बात की चिंता? तुम्हारे साथ तो तुम्हारे गिरधर गोपाल हैं। सब उन पर छोड़ दो, वही कोई उपाय ढूंढ लेंगे जिससे अन्य सभी को भी इस बात पर विश्वास हो जाएगा कि जो कुछ तुमने देखा वो सब सत्य था। दादाजी सा, अब क्या बताऊं, जितने जतन कर सकती थी मैंने सब कर लिए, किंतु मेरे गिरधर गोपाल ना ही मुझसे मिलने आ रहे हैं और ना ही मुझे लेने। दादाजी सा,
अब आप ही कोई उपाय सुझाइए। गुरौ न प्राप्यते यज्ञान्यत्रापि हि लभ्यते, गुरु प्रसादात सर्वं तु प्राप्नोत्येव न संशयः। गुरु की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त करना संभव है, इसमें कोई संशय नहीं है बिटिया। इसलिए तुम गुरुदेव के पास जाओ, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हें एक ऐसे सद्गुरु की आवश्यकता होगी जो तुम्हारे प्रभु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को समझ सके, तुम्हारे भक्ति के मर्म को पहचान सके और आशीर्वाद स्वरूप प्रभु को प्राप्त करने का सरल उपाय तुम्हारे सामने उजागर कर सके। भला ऐसे सद्गुरु मैं कहां और कैसे ढूंढूंगी? चिंता मत करो पुत्री, अब जब तुमने अपनी इच्छा प्रकट की है तो तुम्हारे सद्गुरु से मिलने का संयोग भी स्वयं उत्पन्न होगा। तुम्हारे सद्गुरु स्वयं तुम्हें ढूंढ लेंगे। बिहारी दास जी ने अपने शब्दों से मीरा की आस बंधा दी कि उसे उसके सद्गुरु अवश्य मिलेंगे, किंतु जहां उसे बस अपने सद्गुरु से मिलने की चिंता थी, वहीं परिवार में सभी उसके भविष्य को लेकर चिंतित थे। मीरा बाई अभी भी अपने सपनों के संसार में ही जी रही है। ऐसे तो एक दिन वो प्रभु प्रेम में बावली होकर जोगन ही बन जाएगी। हमारे परिवार में ऐसा हो ये मैं नहीं चाहती। हमें ये भी सोचना है कि मीरा के जोगन बन जाने से हमारे राज्य पर क्या असर होगा। राणा सांगा एक महान योद्धा है, सभी उनका सम्मान करते हैं और उनके पुत्र भोजराज का भविष्य उज्जवल, तो ऐसे में उनसे रिश्ता ठुकराना, चितौड़ से संबंध बिगाड़ना क्या हमारे राज्य के लिए अच्छा होगा? हमारे समाज पर भारी हमले हो रहे हैं, ऐसे में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे हमारे संबंध तनावपूर्ण हो, क्योंकि आपसी मतभेद से हमारे राज्य और हमारे देश दोनों पर संकट आ सकते हैं और इस तरह से मीरा का भविष्य भी दांव पर लग सकता है। एक बार उसका संबंध टूट गया तो फिर उसे कौन स्वीकार करेगा? आप उचित कह रहे हैं भाई साहब, किंतु पिताजी साहब के आदेश को कैसे टाले, इसका उपाय आप ही सुझाइए। कुंवर भोजराज गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको वापस आने में समय लगेगा और उसके बाद ही विवाह की तिथि तय होगी। तब तक हमें महाराज सा और मीरा को समझाना पड़ेगा। जब तक ये बात सुलझ ना जाए, दोनों समझ ना जाए, हम यही रुकेंगे। भोजराज के साथ विवाह स्वीकारना ही होगा मीरा और महाराज सा को। ये उत्तरदायित्व केवल आपका नहीं, हमारा भी है। आप दोनों का धन्यवाद। मुझे ऐसे लगता है मुझसे ही कोई भूल हुई है, जो मीरा को पहले समझा ना सकी, उसको सच्चाई से अवगत ना करवा सकी। संसार के लिए आप एक भगवान हैं, किंतु मेरे लिए तो आप मेरा पूरा संसार है। लोग मुझे बावली कहें, जोगन कहें, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर पड़ता है तो केवल इस बात से कि मेरे गिरधर गोपाल मुझे मिल क्यों नहीं रहे। हाँ, मैं बावली हूँ, पर आपको क्या, आप ना स्वयं मुझसे मिलने आ रहे हैं और ना ही उस सद्गुरु से मुझे मिलवा रहे हैं जो मुझे आप तक पहुँचा दे। अब आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सभी मिलकर आपकी मीरा का हाथ किसी और के हाथ में थमा देंगे। तब आप क्या करेंगे? तो जल्दी से आइए
और ले जाइए मुझे अपने साथ और ले जाइए मुझे अपने साथ, वरना मेरा जो होगा मैं तो उसे सह भी लूंगी, किंतु आप क्या करेंगे? आप तो अकेले रह जाएंगे, फिर कौन करेगा आपकी सेवा? कौन रखेगा आपका इतना ध्यान? कौन करेगा इतना अपार प्रेम आपसे? आप तो अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो, सब कैसे रोक टोक लगाते हैं मुझ पर, अपनी बात समझाते हैं, किंतु मेरे हृदय में क्या है ये तो कोई समझता ही नहीं, और अब तो मां भी नहीं। जो मुझे समझाते हैं वो ये क्यों नहीं समझते कि मैं आप ही की हूं? आप मेरे गिरधर गोपाल हो, मेरे प्रभु हो, मेरे सांवरे हो, बस मेरे आप ही हो, दूसरों ना कोई। जैसे मीन जल के बिना, पंछी आसमान के बिना नहीं जी सकते, वैसे आप ये मीरा प्रभु आपके बिना नहीं रह सकती। तो अब आप ही सोचकर बताइए कि आप कब आएंगे, कब मुझे यहाँ से ले जाएंगे? इतनी कृपा तो कीजिए गिरधर, कि मुझे ये तो बता दीजिए कि मेरे सदगुरु से आप मुझे कब मिलवाएंगे? गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। प्रेम में आकर्षण से अधिक महत्व समर्पण का है।